बनाना चाहते हैं अपनी रेंटल इनकम या देख रहे हैं कोई नया घर, तो प्लीज आप अपने सपनों का घर अच्छी जगह ले जहाँ पे अच्छी अर्निंग हो सके या जहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सके, क्योंकि हमने अपनी लाइफ टाइम की कमाई लगानी है। तो ऐसी वैसी जगह ना लगा के एक अच्छी सी जगह लें जहाँ पे आपको हर चीज़ों की हर चीज़ें प्रोवाइड हो एक अच्छी सी लोकेशन में। और मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बस इतना ही हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको लेके आई हूँ बहुत ही प्राइम लोकेशन में। लोकेशन जो हमारी रहने वाली है मोहाली नियर खरड़, खरड़ बस स्टैंड से ये रहने वाला है, सिर्फ आपका 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। प्रॉपर गेटेड सोसाइटी है, जैसे कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे। आपको जो ये रोड मिलेगी ये आपकी जो है 60 फीट रहने वाली है हाईवे से। ये प्रोजेक्ट सिर्फ आपका 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, 100 से भी कम। और आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ प्रॉपर MC अप्रूव्ड है। आज मैं आपको इंडिपेंडेंट हाउसेस दिखाने जा रही हूँ। 108 स्क्वायर यार्ड में ये बना है और ये हमने क्या करा है कि कस्टमर को हैंडओवर करा है, ऑन डिमांड कंस्ट्रक्शन करी है। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको इसका फ्रंट एलिवेशन। और ये हम जो है सिंगल स्टोरी हाउसेज हमने उनको बना के दिया था, और ग्राउंड फ्लोर में 2 BHK है, ऊपर आपकी ममटी है। तो फिलहाल हम मिलते हैं आपको सीधा इंडिपेंडेंट हाउसेस के पास। मैंने कहा था इंडिपेंडेंट हाउसेस के पास चलते हैं, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे नियर बाय क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। क्योंकि जब हम घर लेते हैं तो हम यही प्रेफर करते हैं कि हमें घर एक ऐसी सोसाइटी में मिलना चाहिए जहाँ पर हमें सारी चीज़ों की फैसिलिटी नियर बाय हो। तो इसी तरह का ये एक कॉन्सेप्ट है अपना। इसमें जो है डेली नीड्स की शॉप आपको फ्रंट गेट पर ही मिलने वाली है। और उसी के साथ ही अगर हम मार्केट की बात करें, यहाँ से मार्केट आपकी रहने वाली है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। हॉस्पिटल आपको नियर बाय मिलने वाला है, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी आपको नियर बाय मिलने वाली है, और जो स्कूल है वो आपको वॉक इन डिस्टेंस पे ही मिलने वाले हैं। बैंक फैसिलिटी भी आपको वॉक इन डिस्टेंस पे मिलने वाली है। यहाँ पे ऊबर एंड कैब की फैसिलिटी भी प्रोवाइड है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा घर एक ऐसी जगह हो जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मिले, और प्रॉपर ये MC से अप्रूव्ड है। अगर आप इसके डॉक्यूमेंट्स भी देखना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ के, तो वो भी हम आपको दिखा देंगे, और उसके बाद ही आप घर ले। पहले आप प्रॉपर उसकी जांच पड़ताल करें, तो उसके बाद ही आप घर ले। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे बैक साइड में ये इसका जो फ्रंट एलिवेशन रहने वाला है 108 गज का, ये इंडिपेंडेंट हाउसेज है। देख सकते हैं प्रॉपर फेस टाइल हमने यहाँ पे लगवाई है, और ऊपर हमने प्रॉपर जो बालकनी वाला एरिया है उसमें प्रॉपर ग्लास वर्क हमने यहाँ पे करा है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। प्रॉपर लाइटें वगैरह भी ऑलरेडी इसमें है। और सबसे अच्छी ये अपना आ जाता है मेन गेट, जिसमें कि हमने स्टील की रेलिंग करी है और बीच में हमने वुडन का टच दिया है। इसी के साथ ही ये हम ओपन करते ही देखें इस घर का स्पेस कितना है। ये अपना आ जाता है कार पार्किंग, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। आप इजीली अपनी SUV, सिडान कार या स्पोर्ट्स कार भी आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। एक्चुअली जिन्होंने ये घर बनाया है उन्होंने ये बेसिकली जो है रेंटल पर्पज से बनाया है। उनका एक ही मोटिव था कि मुझे अगर मैंने पैसा लगाना है तो ऐसी जगह पैसा लगाऊं जहां पे मुझे अच्छी अर्निंग हो सके, या उनका मतलब अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकूं। तो ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पे मैक्सिमम कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या फिर
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो वो इस एरिया में रहना प्रेफर करते हैं। तो अभी ये फिलहाल उन्होंने अभी रेंट पे देना है अभी नेक्स्ट मंथ से, तो अभी देखते हैं हम कि अंदर उस इसमें क्या क्या सामान लगा है और क्या क्या चीज़ें इन्होंने लगवाई है और क्या क्या चीज़ें हमने इनको प्रोवाइड करवाई है। तो इसी के साथ ही अगर इस साइड को देखें तो यहाँ पे एक यूटिलिटी एरिया है, ये इन्होंने यूटिलिटी एरिया बनवाया है। इसको बनाने का एक ही मोटिव था कि यहाँ पे ये अपना सिलेंडर लगा सके, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि ये भी नया ट्रेंड चला है कि यूटिलिटी एरिया में सिलेंडर का कनेक्शन अंदर से ही पाइप से आता है, तो यहाँ पे कनेक्शन दे रखा है, वो इजीली यहाँ पे सिलेंडर लगा सकते हैं या इन्वर्टर भी लगाना चाहे तो वो भी। तो इस साइड को अगर देखें तो ये आ जाता है अपना पॉर्च एरिया, जहाँ पे आप इजीली अपना टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं। अंडरग्राउंड हम आपको यहाँ पे वाटर टैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये देख सकते हैं प्रॉपर टाइल वर्क आपको यहाँ पे मिल रही है। तो दोस्तों अगर आप इस साइड को भी देख रहे होंगे, यहाँ पे भी हमने आपको लैंप्स प्रोवाइड करवाए हैं बोथ साइड। तो इसी के साथ ही अगर ये वाली वॉल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक घर को एक अच्छी लुक देने के लिए हमने यहाँ पे वुडन का टच दिया है, ताकि प्रॉपर आपका घर जो है अच्छा लगे। और ये अपनी जाती है रूफ के लिए स्टेयर्स, रूफ में मैं आपको बाद में लेके जाती हूँ, पहले मैं आपको दिखाती हूँ डोर, हमारा डोर किस तरह से हमने इसमें डिज़ाइन करा है। ये देख सकते हैं प्रॉपर डिज़ाइन वर्क, इसमें डबल नट हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये हमारा सागवान का डोर है, प्रॉपर ग्लास वर्क आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इसी के साथ ही ये अपना आ जाता है सेकेंड डोर। सेकेंड डोर की अगर लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ये देख सकते हैं बीच में हमने इसमें टीक वर्क यूज करा है, ये देख सकते हैं आप। तो इसी के साथ ही हमने एंटर करा है अपने लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया की बात करें यहाँ पे जो है इन्होंने जिनको हमने ये घर हैंडओवर करके दिया है उन्होंने यहाँ पे सोफा प्लेस करा है, 5 सीटर देख सकते हैं, 5 सीटर सोफा प्लेस करा है। सोफे के बैक में ही आपको वेंटिलेशन मिलने वाली है, एल टाइप की विंडो मिलने वाली है प्रॉपर, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग कर्टन लगा सकते हैं। इसी के साथ ही ये वॉलपेपर का भी चॉइस था, तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है वॉलपेपर भी यहाँ पे लगाया है। वॉलपेपर के साथ ही ऊपर अगर आप देखें तो आपको मिलने वाला है एसी का प्रोविजन, यहाँ पे आप एसी भी लगा सकते हैं। एंड इसी के साथ ही अगर इस साइड को देखें तो यहाँ पे रहती है आपकी एलसीडी पैनल, एंड इसका भी हमने जो है उनको कलर कॉम्बिनेशन का ऑप्शन दिया था, ये देख सकते हैं प्रॉपर। यहाँ पे आप अपनी जो है एलसीडी लगा सकते हैं, अपना टीवी वगैरह देख सकते हैं ये एलसीडी। इसी के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रॉपर स्टोरेज कैपेसिटी, यहाँ पे आप अपना घर का सामान यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर, काफी स्पेस है। और नीचे भी इसमें प्रॉपर आपको डोर प्रोवाइड करवाए हैं। और अगर ऊपर को देखें तो ऊपर मिलने वाली है आपको डाउन सीलिंग का डिजाइन विद फैन, ये डाउन सीलिंग भी ये हमने उनको ऑप्शंस दिए थे जो हमारे ऑलरेडी जो घर है वो रेडी टू मूव है, उनके ऑप्शंस दिए थे उसमें दिखाए थे, बट उन्होंने एक अलग से ही कॉन्सेप्ट उठाया था ये डाउन सीलिंग का, तो वो हमने इसमें बनाया है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे रेडी टू मूव घर है अलग अलग आपको इसमें जो है डाउन सीलिंग मिलेगी। तो ये आ जाता है हमारा लिविंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की अगर स्पेस की बात करें तो यहाँ काफ़ी स्पेस है, तो यहाँ पे आप इजीली अपना डाइनिंग टेबल भी प्लेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही ये अपनी आ जाती है मॉड्यूलर किचन। एक्चुअली थोड़ी सी मैसी हो रखी है बिकॉज अभी थोड़ा सा काम रहता था इसका, तो वो कंप्लीट हो जाएगा फिर क्लीन करके, फिर नेक्स्ट मंथ से ये वाला घर जो है रेंट पे भी अवेलेबल है। तो ये अपने आ जाते हैं किचन एरिया में। तो ये किचन एरिया की आ जाती है पेंट्री, जो चीज़ें आप फ्रिज में प्लेस नहीं करते हैं वो आप चीज़ें यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, जैसे आलू हो गया या प्याज हो गया, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। इजी टू रिमूव है, इसको इस तरह से निकालें। और यहाँ पे वॉश करना चाहते हैं
आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है जो भी करना चाहते हैं, और ये इजीली इस तरह से प्लेस हो जाता है। ऊपर भी इसमें कबर्ड दिया है, और इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें, ये देख सकते हैं ग्रे एंड ग्रीन का काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो ये वाले काउंटर भी हमने बड़े बनाए, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि जो हमारे फ्लोर कंटेनर हो, राइस कंटेनर हो, वो इजीली नहीं आते क्योंकि कबर्ड्स छोटे होते हैं। तो प्रॉपर हमने इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान दे रखा है। इस साइड को रहता है आपका डस्टबिन एरिया। एंड अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ पे हमने जो है ये आपको कॉर्नर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये अपने जो है हाइड्रोलिक रहने वाले इजी पुश एंड पुल। और इसी के साथ इस सेट को भी क्रॉकरी सेट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पे आप अपने जो है सामान रख सकते हैं, या फिर अगर वो ज़्यादा पानी पूनी पड़ जाए तो आप इसको इजीली यहाँ पे उल्टा सकते हैं। तो अगर ऊपर देखें तो ऊपर मिलने वाली है आपको प्रॉपर कबर्ड्स, ये देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे फ्रिज प्लेस हो सकता है, जिस तरह से ये प्लेस करा है। डबल डोर भी आपका इजीली यहाँ पे लग जाएगा। आपको गीजर के पॉइंट भी मैं दिखाती हूँ, आरओ का भी। ये अपना जो रहेगा आरओ का पॉइंट, एंड इसी के साथ ही ऊपर को मिल रहा है आपको गीजर का पॉइंट। एंड ये आपके आ जाते हैं डिश वॉशिंग एरिया। इसी के साथ ही आपको मिलती है वेंटिलेशन के लिए विंडो। तो दोस्तों अगर ऊपर को देखें तो ऊपर मिलने वाली है आपको डाउन सीलिंग विद लाइट्स, ये देख सकते हैं आप। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये अपना रहने वाला है फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम की अगर बात करें, काफ़ी स्पेशियस है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जो है फर्नीचर इन्होंने अपने बिहाफ पे लगाया है। हमने हमने नहीं लगाया, ये ऑलरेडी जिनको हमने हैंड ओवर कराया घर, उन्होंने ये लगाया है। और वॉलपेपर रहने वाला है काफ़ी खूबसूरत सा, ये देख सकते हैं। ऊपर आपको एसी का प्रोविज़न मिलने वाला है। इस साइड को फुल हाइट तक आपको कबर्ड्स रहने वाले हैं, देख सकते हैं। एक बार मैं आपको कबर्ड का स्पेस भी ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे जो है कबर्ड का स्पेस है, जहाँ पे आप इजीली अपने ब्लैंकेट्स रखना चाहे ब्लैंकेट रख सकते हैं, क्लोथ्स रखना चाहें तो आप क्लोथ्स भी रख सकते हैं सेम। और इस साइड को भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर आपको स्पेस की कोई कमी नहीं है। और इसमें हमने जो है डबल लॉक लगाए हैं, तो इजीली ये पुश हो जाता है। अगर ऊपर को देखिए, ऊपर मिलने वाली आपको डाउन सीलिंग विद लाइट्स। और इस साइड को देखिए तो ये एलसीडी पैनल रहने वाला है। और इसी के साथ ही अगर इस साइड को देखिए तो यहाँ पे मिलने वाली है आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो, ये देख सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन। और इसी के साथ ही अगर इस साइड को देखिए तो ये रहने वाला है आपका ड्रेसिंग एरिया, जहाँ पे आप अपना मेकअप वगैरह भी आप इजीली कर सकते हैं, स्पेस की कोई कमी नहीं है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ वॉशरूम। वॉशरूम भी देखिए, 5x6 का वॉशरूम है, सेम एज इट इज इसी तरह से प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाथ फिटिंग आपकी सेहरा ब्रांड की रहने वाली है, ये देख सकते हैं आप। और आपको शावर के पॉइंट हो गया, गीजर का पॉइंट हो गया, फुल हाइट तक आपकी टाइल वर्क रहने वाली है, डाउन सीलिंग रहेगी। और आपका इस साइड को जो है प्रॉपर कबर्ड्स, ये देख सकते हैं। और इस साइड को प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलने वाली है, ये आपकी आ जाती है हैंगिंग शीट। इस साइड को प्रॉपर वेंटिलेशन मिलने वाली है, ये देख सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन के भी हमने यहाँ पे प्रोविजन दिया है। इसी के साथ ही मैं लेके चलती हूँ आपको वॉशिंग एरिया में। ये अपना जो है वॉशिंग एरिया, एक्चुअली पीछे अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, पीछे वाली कोठी भी हमारी है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप इजीली अपनी मशीन वगैरह लगा सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आप भी चाहते हैं अगर इसी तरह से कंस्ट्रक्शन करवाना या फिर रेडी टू मूव घर लेना, तो आप इजीली ले सकते हैं। और ये वाला घर जो है रेंट के लिए भी अवेलेबल है। तो कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ होती है रेंट की। और बाकी तो अपने पास जो हमारा काम है सेल्स का, तो वो ही मैक्सिमम हम करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये आपके प्रॉपर कबर्ड्स रहने वाले हैं। स्लाइडिंग डोर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं।
ये चीज मुझे काफी अच्छी और अट्रैक्टिव लगी। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और अगर ऊपर देखें, ऊपर आपको डाउन सीलिंग मिलने वाली है विद लाइट्स। यहाँ पे आप अपने फैन लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये मिलने वाले हैं आपको डबल बेड। ये रेंट वालों के लिए मिलने वाले हैं। अगर आपको घर परचेज करना है तो सेमी फर्निश्ड ही आपको मिलेगा। उसमें आपको वुडन का काम कंप्लीट रहेगा, टाइल कंप्लीट रहेगी एंड अपना वॉलपेपर आपको चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। देख सकते हैं वॉलपेपर भी काफी अच्छा है, डिसेंट सा। एंड ऊपर देखिए आपको मिलने वाला है एसी का पॉइंट। और इसी के साथ ही अगर इस साइड को देखिए तो यहाँ पे मिलने वाली है एलसीडी। एलसीडी का कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है, अपना कबर्ड्स के साथ मैच करता हुआ। यहाँ पे आप अपनी इजीली 32 इंच की एलसीडी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने डेकोरेटिव आइटम प्लेस कर सकते हैं। आप बुक शेल्फ भी बनाना चाहते हैं, बुक शेल्फ भी आप बना सकते हैं। और घर में एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपना मंदिर। तो यहाँ पे हमने आपको क्या है, मंदिर प्रोवाइड करवाया है, ये देख सकते हैं। और नीचे इसमें कबर्ड्स हैं, यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह इजीली स्टोर कर सकते हैं। मंदिर का रखना चाहे या आप अपना पर्सनल जो भी होता है वो रखना चाहे। इसी के साथ इस साइड को आपका जाता है ड्रेसिंग टेबल। स्पेस की कोई कमी नहीं है, देख सकते हैं आप। और आपको वेंटिलेशन के लिए भी आपको यहाँ पे विंडो मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको कूलर भी आप लगाना चाहे कूलर भी आप लगा सकते हैं। इसी के साथ ही अगर अंदर को देखें तो ये रहने वाला है आपका वॉशरूम। ये भी सेम एज इट इज़ इसी तरह से मिलने वाला है। काफ़ी स्पीशियस है, फुल हाइट तक टाइल वर्क रहने वाली है। शावर गीजर के पॉइंट्स आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो एंड ऊपर एग्जॉस्ट फैन और डाउन सीलिंग मिलने वाली है आपको ऊपर। और इस साइड को आपको हैंगिंग शीट मिलने वाली है। और इस साइड को देखें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर कबर्ड्स रहने वाले हैं। तो ये था हमारा वॉशरूम। तो आइए मैं आपको टेरेस पे भी लेके चलती हूँ कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं और स्पेस कितना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर रेंट पे भी आप घर लेना चाहते हैं तो हमारे पास ये भी रेंट के लिए अवेलेबल है। और बाकी मैं जो इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं अपनी एमिनिटीज़, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये हमारी आ जाती है स्टेयर रेलिंग, ताकि इजीली आप अपनी स्टेयर्स को स्टेयर पे ऊपर चढ़ सकें। और इस साइड को भी देखें तो यहाँ पे आपको स्टोरेज कैपेसिटी एक हिसाब से जो सामान आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, जैसे अभी यहाँ पे रखी हमने खाली पेटियाँ, तो आप भी इस तरह से अपने घर पर रख सकते हैं। अगर इस साइड को देखें तो ये अपना आ जाता है ओपन एरिया। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये अपना ओपन एरिया है। और पीछे हमारा भी थोड़ा सा प्लास्टर का काम चल रहा है। और इस साइड को आइए तो मैं आपको बालकनी का व्यू भी दिखाती हूँ कि किस तरह से रहता है बालकनी का व्यू। तो ये हमारी देखिए बालकनी रहने वाली है। यहाँ पर आप अपने जो है क्लोथ्स वगैरह ईजिली सुखा सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी शानदार सा लगता है देखने में। और आप यहाँ पे इवनिंग की चाहे चाय, जी हाँ, टी पीना चाहते हैं वो भी पी सकते हैं। या मॉर्निंग में उठ के सुबह अगर हवा, ताज़ी हवा लेना चाहते हैं वो भी आप इजीली ले सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ये अपना 108 गज, जो जैसे कि मैंने आपको इसका साइज़ बताया था, ये अपना जो है 108 गज का था। इंडिपेंडेंट हाउसेस जो कि सिंगल स्टोरी हमने कस्टमर को हैंडओवर करा है ऑन डिमांड बना के। अगर आप भी इसी तरह से घर या फिर अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग इंटीरियर को सेट करना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन कर देंगे, वहां पे आके आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहें या फिर आपको कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मेंशन करें या तो फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आपकी डायरेक्ट डील हो रही है बिल्डर के साथ, कोई डीलर नहीं है बीच में। और हमारे पास कम से कम बजट के फ्लैट्स एंड प्लॉट्स भी अवेलेबल है। आज मेरी वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि जो हमने कस्टमर को घर जो है अपना हैंडओवर करा है तो वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरह से या किस बेस पे उन्होंने हमसे घर लिया है। उनका मेन मकसद यही था कि वो एक
अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें रेंटल इनकम आ सके। तो ये इसी तरह का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपनी रेंटल इनकम या देख रहे हैं कोई नया घर, तो प्लीज़ आप अपने सपनों का घर अच्छी जगह ले जहाँ पे अच्छी अर्निंग हो सके या जहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सके, क्योंकि हमने अपनी लाइफ टाइम की कमाई लगानी है। तो ऐसी वैसी जगह ना लगा के एक अच्छी सी जगह लें जहाँ पे आपको हर चीज़ें प्रोवाइड हो एक अच्छी सी लोकेशन में। और मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बस इतना ही, इसी के साथ ही मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।